नमस्कार, मैं सलोनी राजपूत और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। सियासी संकट खत्म होने के बाद राजस्थान कांग्रेस में मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीति नियुक्तियों को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के विधायकों व कार्यकर्ताओं को उम्मीद दी थी कि विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद सीएम अशोक गहलोत अपने समर्थकों को या तो बड़ा इनाम देंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिज्ञ नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा पहले राहुल गांधी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे। हालांकि अभी राहुल गांधी विदेश गए हैं, ऐसे में उनके आने के बाद ही ये लोग दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। राजस्थान में सियासी संकट के दौरान गहलोत कैंप में रुके विधायकों से बड़े बड़े वादे किए गए थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बाड़ाबंदी से विधायकों को हुए नुकसान की भरपाई व ब्याज सहित करेंगे। गहलोत के इस वादे से विधायकों की उम्मीद काफी बढ़ गई है, ऐसे में अब उनके लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। इधर संगठन में नई नियुक्तियों को लेकर भी अभी असमंजस ही बना हुआ है। डोडासरा को कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक प्रदेश या जिले में कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। डोडासरा का कहना है कि जब तक सभी संभागों का फीडबैक नहीं मिल जाता तब तक नियुक्तियां नहीं होंगी। फिलहाल जयपुर और अजमेर संभाग का ही फीडबैक आया है, इनके अलावा अभी 5 संभागों का फीडबैक और बाकी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माखन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान राजस्थान की सियासत को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इनके बीच क्या बातचीत हुई ये तथ्य सामने नहीं आ पाया है। अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे इस खबर के बाद पायलट गुट में बेचैनी बढ़ गई कि क्या फीडबैक जा रहा है और किसके नाम मंत्रिमंडल के लिए तय किए जाएंगे। सबको पता था गहलोत और पायलट के बीच लड़ाई दिखाने के लिए खत्म हुई, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी और ताकतवर पद कोई नहीं छोड़ेगा। सचिन पायलट भी राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी अपने खेमे को वादा किया है कि उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा और सरकार और संगठन में हिस्सेदारी भी बराबरी की होगी। खैर, इंतजार करिए कि अशोक गहलोत और डोडासरा राहुल से क्या कहते हैं। आगे खबरों के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।